बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेडिकल हर्बल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आप लोगों को लिबिडो बहुत ज़्यादा है, ओवर एक्टिव लिबिडो है, इरेक्शन बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि शहवत बहुत ज़्यादा आती है और आप शहवत से तंग हैं। ऐसे अक्सर हजरात मेरे पास आते हैं कि सर आप शहवत को बुलाने के लिए, लिबिडो को बूस्ट करने के लिए, इरेक्शन को बूस्ट करने के लिए तो मुख्तलिफ टिप्स देते हैं और मेडिसिन देते हैं, तो शहवत इरेक्शन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपका कोई लेक्चर नहीं है यूट्यूब पे। तो एक बड़े ही प्यारे भाई उनके फरमाइश पे आज ये लेक्चर देने जा रहा हूँ। देखिए जी, ओवर एक्टिव आपकी लिबिडो है, शहवत है, कुफ्ते बा है, तो इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। अगर तो आप टीन एज में हैं, नंबर दो अगर आप मूर्ख गज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नंबर तीन आपके इर्द गिर्द का माहौल इस तरह का है कि जहाँ से आपको ये जज्बात उभरते हैं। सपोज़ करेंगे जी आप को एजुकेशन में हैं तो फिर भी लिबिडो बढ़ेगी, इरेक्शन बढ़ेगी, शहवत ज़्यादा आएगी। अगर आप खाना खा के सो जाते हैं या आप ज़्यादा खाने पीने के शौकीन हैं, तो जब बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी तो वो फिर शहवत की तरफ आएंगी, लिबिडो बूस्ट होगी। इसके साथ साथ एज का बड़ा फैक्टर है, अगर आप यंग ब्लड हैं, टीन एज में हैं, तो ऑटोमेटिक शहवत ज़्यादा होगी। इस्लाम में ये है कि जी अगर शहवत तंग करती है तो फिलफोर्ट शादी करें। कुछ माशरती मसाइल की वजह से, समाजी मसाइल की वजह से कुछ लोग जल्दी शादी नहीं कर पाते, तो उनके लिए मेरा बेहतरीन जो मशवरा है कि रोज़ों को तरजीह दें, रोज़े रखें। अगर आप रोज़े नहीं रख सकते तो कोशिश करें हाई कैलरीज, ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें या ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, हैवानी चर्बी या मटन वगैरह, सूप वगैरह, कोई यखनी वगैरह आप लेते हैं देसी मुर्गी की, तो वो ला नहीं, अंडों का इस्तेमाल मत करें, गर्म चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। इसके साथ साथ मतलब के जो लिबिडो को बूस्ट करती हैं उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, मतलब ये जो लिबिडो को बूस्ट करती चीज़ें, इनसे आपने मना होना है, ये चीज़ें आपने नहीं खानी। नंबर वन, सेब बिल्कुल नहीं खाना। नंबर दो, आड़ू नहीं खाना। नंबर तीन, मीट किसी भी किस्म का, बेशक वाइट मीट ही क्यों नहीं, फ़िश या चिकन वगैरह नहीं खाना। अंडे नहीं लेने, ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं लेने, बेकरी आइटम्स नहीं लेने, ज़्यादा मीठा नहीं इस्तेमाल करना, मीठे में बहुत ताकत होती है, तो मीठे का इस्तेमाल भी कम कर दें। और उस चिकन वगैरह आप लें, अगर ले सकें तो वो बारबेक्यू की शक्ल में लें, तो उस पर काफ़ी कैलरीज बर्न हो चुकी होती हैं अगर आप बारबेक्यू की शक्ल में लेते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे हजरात जो लाइक ये कहते हैं जी कि रात को एहतलाम हो गया, उसके बाद जी कमज़ोरी हो गई है, तो ऐसी गज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे जिससे स्पर्म ज़्यादा ज़्यादा हो, मनी ज़्यादा बढ़े, तो ये सरासर गलत है। मैं तमाम लेक्चर्स में आपने बताया है जो इससे रिलेटेड हैं कि जी महीने में 4 से 5 बार नाइटफॉल होता है, एहतलाम होता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन है, एक सेहतमंद बंदे की निशानी है। आप जो मास्टरबेशन नहीं करते, मतलब कि हैंड जॉब नहीं करते, तो उनको महीने में 4 से 5 बार एहतलाम होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो इट्स मीन स्पर्म की प्रोडक्शन कम है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो इट्स मीन कि ब्लेडर आपका ओवर एक्टिव हो गया है, यानी कि मसाना आपका कमज़ोर हो चुका है और मुस्तजनी से ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, तो इस वजह से ओवर एक्टिव होने की वजह से वो ब्रीक जल्दी उसको मजी को रोक नहीं पाती, तो मनी का खराज होता रहता है। तो बात यह है कि जी रोज़े रखें, इसके साथ साथ खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब के लीमू का इस्तेमाल करें, डेली आप 1 से 2 गिलास लीमू पानी पिए, इमली आलू बुखारे का शरबत पी सकते हैं, बहुत अच्छा है सिंगल लोगों के लिए। इसके साथ साथ ये मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए मुफीद है, तो देखें इसको आप कम करें। इसके साथ साथ आप अपने सोशल मीडिया पे जो हैं आप ऐसी चीज़ों को लाइक करें जिसमें आपके दीन और दुनिया संवरे। लाइक ऐसे नहीं है कि जी आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं या आप कुछ ऐसी आपकी जो हल्का अवाब है वो इस तरह का है कि जहाँ से आपके शहवानी ख्यालात हैं वो उभरते हैं। को एजुकेशन में हैं तो कोशिश करें कि को एजुकेशन से किनारा करें, ये सरासर गलत है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और इसके साथ लाइक कुछ ऐसे हजरात हैं कि जी लिबिडो को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं कि जी हमें शहवत आए ही ना,
तो जब वक्त आता है शादी का, शादी के करीब आते हैं, तो वो अपनी बहुत सारी ताकत खो चुके होते हैं और इरेक्शन बिल्कुल नहीं होती, शहवत नहीं आ रही होती, डिज़ायर्स नहीं होती, सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे जरा मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा भी आपने वो भूख नहीं करनी, मतलब लाइक भूखे नहीं रहना, बहुत ज़्यादा भी रोज़े नहीं रखने। ज़्यादा रोज़े रखेंगे तो जिसमें वीकनेस आ जाएगी। आपकी डेली की जो कैलोरीज हैं 500 से 800 के बिटवीन एक स्टूडेंट बंदा है उसको चाहिए होती हैं, तो वो इतनी सी कैलोरीज ले, अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, कोई रनिंग शनिंग नहीं कर रहा, जस्ट स्टडी करता है और सो जाता है यूनिवर्सिटी की हद तक, स्कूल की हद तक, तो वो 700 से 800 कैलोरीज इनफ है। अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे तो शहवत बढ़ेगी। इसके हवाले से मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स भी हैं। आप कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक को ज़रूर विज़िट करें। हमारा क्लिनिक लाहौर जोहो टाउन में है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।